देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर वेटनरी डिप्लोमा मैंने कर लिया है, उसके बाद मैं वेटनरी डिग्री करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे कोई एडवांटेज मिलेगा उसमें? मतलब कि डायरेक्टली क्या मेरा एडमिशन हो सकता है वेटनरी डिग्री कोर्स में अगर मैंने डिप्लोमा कोर्स कर चुका है? तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर ये है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। आपको जो है एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट जो होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जो होती है, वो देना पड़ेगी, जो नीट एग्ज़ाम होती है। और काफ़ी सारे स्टेट्स में अलग अलग स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में MP PVFT होती है। तो वो PVFT एग्ज़ाम आप जब तक नहीं देंगे, जो क्या कि नीट एग्ज़ाम है, वो आप जब तक नहीं देंगे, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपको देना ही पड़ेगी। अगर आपको वेटनरी डिग्री में आपको एडमिशन चाहिए, तो आपको वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना पड़ेगा। तो यार ये जो है सिंपल सी बात है, अगर डिप्लोमा करा है या फिर कोई और कोर्स करा है, तो उसका आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपने डिप्लोमा करा है तो आपको डायरेक्टली डिग्री में जो है एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया गया है सरकार की तरफ से। और पहले जरूर ये रूल था, 2 से 3 साल पहले तक भी ये रूल था कि आपने अगर डिप्लोमा करा है तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता था डिग्री कोर्स में, पर आज के टाइम पर ऐसा कोई भी रूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको जो है डायरेक्टली अगर एडमिशन लेने की अगर आप सोच रहे थे कि अगर आपने डिप्लोमा करा है और आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाए, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने ही पड़ेगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है उसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने जो है चैनल पर, मैंने काफ़ी सारी लिस्ट डाल चुका हूँ। और एक लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो आपको खुद को ही पता करना पड़ेगा जा करके, आपके जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको जा करके खुद ही पता करना पड़ेगा कि आपके स्टेट में स्पेसिफिकली कौन सी एग्ज़ाम्स होती है वेटनरी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो यार ये था एक शॉर्ट सा वीडियो, आपको बता दूं कि कोई भी एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा अगर आपने डिप्लोमा करा है और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप वेटनरी डिग्री में आ जाए। वेटनरी डिग्री में आने के लिए अलग से एग्ज़ाम्स है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, जब जाके आप वेटनरी डिग्री में आ सकते हैं। तो ये थे वेटनरी डिप्लोमा और वेटनरी डिग्री कोर्स में अंतर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ही कोर्स है, ये आपको पशुओं से रिलेटेड है, और ये दोनों ही कोर्सेज में आपको जो है ये पशुओं को ट्रीट करना होगा, पशुओं का जो इलाज और उनका चिकित्सा करना होगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो वेटनरी डिप्लोमा कोर्स होता है वो ज़्यादातर स्टेट में 2 ईयर्स का होता है, और कई कई स्टेट में 3 ईयर्स का कोर्स है, मतलब कि 2 से 3 साल आपको लग सकते हैं वेटनरी डिप्लोमा करने में। वहीं जो वेटनरी का डिग्री कोर्स है, ये नए सिस्टम के हिसाब से 5.5 साल का जो हो गया है, मतलब कि 5.5 साल आपको लगेंगे डिग्री कोर्स करने में। तो ड्यूरेशन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़ा जो कोर्स है वो वेटनरी डिग्री कोर्स है। इसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है वेटनरी डिग्री कोर्स में, पर ऐसा कुछ डॉक्टर जैसा नहीं लगता है आपके नाम के आगे वेटनरी डिप्लोमा कोर्स में। मतलब कि डिग्री करके आप जो है एक डॉक्टर बन सकते हो, पर जो है डिप्लोमा करके आप जो है एक डॉक्टर वाला टैग नहीं लगेगा आप पे। तो अगर आपको डॉक्टर अपने आपको बुलवाना है वेटनरी डॉक्टर, तो आपको जो है डिग्री करना होगा 5.5 साल की। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है कि जो हमारा ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में होता है कि जो वेटनरी डिप्लोमा है वो मोस्टली जो स्टेट्स में हमारे इंडिया में वो हिंदी मीडियम में होता है, और वेटनरी डिग्री कोर्स जो है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो जॉब्स लगती है, तो जो गवर्नमेंट में जो जॉब लगती है डिप्लोमा जो करते हैं उन लोगों की, तो उनकी लगती है AVFO वाली जॉब। AVFO मतलब कि जो ऑफिसर ऑफिसर लेवल के वो लोग रहते हैं। इसके बाद जो वेटनरी डिग्री कोर्स जो करते हैं उनकी VAS वाली जॉब लगती है, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन वाली। तो सर्जन आप बनते हैं डिग्री करके, और आप एक ऑफिसर बनते हैं डिप्लोमा करके। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। इसके बाद सबसे मेजर पॉइंट ये आता है कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो अगर आपको डिप्लोमा करना है तो इसके लिए आपको जो है ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होती है इसकी, ऐसी कोई मेन एग्ज़ाम नहीं है ऑल इंडिया लेवल पे जिसको देकर के आप डिप्लोमा डायरेक्ट कर सके। इसमें अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आपको अलग अलग स्टेट में अलग 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 एग्ज़ाम होगी। जैसे कि अगर आप MP स्टेट में बिलोंग करते हैं तो दाहेत एग्ज़ाम होती है, जिसके थ्रू आप MP के कॉलेज में डिप्लोमा कर सकते हैं वेटनरी में। इसी तरह अलग अलग स्टेट अलग अलग एग्जाम होती है, तो आपके स्टेट की एग्जाम आपको सर्च करना होगा, और उसके बाद आपको उस एग्जाम में अपियर होना होगा अगर आपको वेटनरी डिप्लोमा करना है तो। पर वेटनरी डिग्री कोर्स में ऐसा नहीं है, इसमें AIPVT जो है एग्जाम होती है, ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट। इसके थ्रू जो है आप 15% सीट्स के लिए कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम है AIPVT एग्जाम, इसमें आजकल जो है नीट के नंबर जो है यूज होते हैं, मतलब कि आपके जितने नीट में नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होगा वेटनरी
डिग्री कोर्स के लिए। तो ये जो बड़ा डिफरेंस था कि इसकी नेशनल लेवल एग्ज़ाम नहीं होती है डिप्लोमा कोर्स के लिए, पर वहीं डिग्री कोर्स के लिए जो है नेशनल लेवल एग्ज़ाम होती है। और डिग्री कोर्स के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है डिग्री कोर्स में आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स भी होती है, जैसे कि राजस्थान में होता है RPVT, राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट, और मध्य प्रदेश में होता है MPPVT, मध्य प्रदेश प्री वेटनरी टेस्ट। मतलब कि डिग्री कोर्स अगर आपको करना है तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप ऑल इंडिया लेवल पर AIPVT एग्ज़ाम के थ्रू काउंसलिंग करें, या तो फिर आप जो है स्टेट लेवल पर आप अपने स्टेट की जो एग्ज़ाम देके आप काउंसलिंग करें और एडमिशन ले लें। तो आपको अगर डिग्री करना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम दें या तो फिर आप AIPVT दें। और अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जो आप स्टेट लेवल पे जो आपकी एग्ज़ाम होती है उसमें आप अपीयर हो और उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों ही जो डिग्री और डिप्लोमा है इनका जो उज्ज्वल भविष्य आगे इंडिया में है। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा जो डिप्लोमा कोर्स है इसके बाद आप डिग्री भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपने वेटनरी में डिप्लोमा करा है तो आप डिग्री के लिए अपीयर हो सकते हैं। और जो डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए ही मिनिमम क्वालिफिकेशन एटलीस्ट आपकी 12th पास होना चाहिए, 12th पास विथ मतलब कि आपको या तो एग्रीकल्चर से पास होना चाहिए या तो आपको बायोलॉजी से और इससे रिलेटेड ही जो आपके सब्जेक्ट से उससे ही आपको पास होना चाहिए एटलीस्ट 12th पास। 10th पास हो तो शायद नहीं चलेगा, क्योंकि जो है मेजर ज़्यादातर स्टेट्स में 12th पास आजकल मांगता है। तो एटलीस्ट आपको 12th पास होना चाहिए डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही कोर्स करने के लिए। और मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता दूं तो कट ऑफ जो है आजकल जो है डिप्लोमा का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, वहीं जो डिग्री का कट ऑफ है वो ज़्यादा जाता है। क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे कि डिग्री में आप जो है एक डॉक्टर बनते हैं, पर जो डिप्लोमा में आप एक ऑफिसर बनते हैं। मतलब कि जब आप डिग्री कोर्स कर लेते हैं तो आपके नीचे कई सारे जो है डिप्लोमा करने वाले जो ऑफिसर्स आपके अंदर आपके नीचे जो है रहते हैं, मतलब कि पोस्ट में आपके पोस्ट जो रहेगी आपकी काफ़ी हायर पोस्ट रहेगी अगर आपने जो है डिग्री कोर्स कराया तो। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो जॉब्स की जो सिक्योरिटी है वो तो दोनों ही कोर्सेज में अच्छी है, मतलब कि आप गवर्नमेंट और प्राइवेट में दोनों ही जगह जॉब कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है तो इसमें आप बनते हैं AVFO और इसमें आप ऑफिसर लेवल तक का जो है आपको पोस्ट मिलती है। AVFO बनते हैं आप डिप्लोमा करके, और वहीं आप वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बन जाते हैं अगर आपने डिग्री कोर्स करा हो तो। इसके बाद मैं आपको मास्टर कोर्सेज का बताता हूँ कि अगर आपने डिप्लोमा करा है तो आप डिग्री भी कर सकते हैं वेटनरी की, और अगर आपने डिग्री कर चुके हैं ऑलरेडी जो BVSC की डिग्री होती है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस, तो आप उसके बाद आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं मास्टर ऑफ वेटनरी साइंसेस। तो ये जो है एक काफ़ी बड़ी ऑप्शन रहता है आपके पास डिग्री करने के लिए कि 5.5 साल आप जो है पहले BVSC कर ले, उसके बाद आप MVSC भी कर सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं आप किसी भी एक सब्जेक्ट में वेटनरी साइंसेस के। तो ये जो है काफ़ी दोनों बढ़िया जो कोर्सेज हैं, आप ट्राई करिए कि आपका एडमिशन हो वेटनरी में किसी भी फील्ड में, या तो आप डिप्लोमा करें या तो डिग्री करें। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है डिग्री कोर्स की तरफ आपका ज़्यादा रुझान रखें, क्योंकि एटलीस्ट आप अगर आप अपना टाइम लगा रहे तो आप एटलीस्ट आप एक डॉक्टर तो बने और अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकें। और जब भी आप डिग्री कोर्स करते हैं तो आपको जो कोर्स है पूरा डिटेल में पढ़ने मिलता है, वहीं जो डिप्लोमा कोर्स है उनको सेम कोर्स जो है 2 से 3 साल में पढ़ाया जाता है। तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 साल जो है पर्याप्त समय ना लगे पूरा का पूरा वेटनरी कोर्स समझने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो है आप एटलीस्ट डिग्री कोर्स के लिए आप ट्राई करें। तो यही था एक शॉर्ट सा वीडियो, मुझे लगता है कि मैं आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा। मैंने एग्ज़ाम्स बता दिए आपको कि कौन कौन से एग्ज़ाम आपको देना है, मैंने आपको स्कोप बता दिया कि दोनों का क्या क्या स्कोप है, और उसके बाद मैं आपको बता दिया कि गवर्नमेंट में जॉब लगती है तो फिर उसमें आप कौन से ऑफिसर बनते हैं, कौन से सर्जन बनते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सा हिंदी मीडियम में होता है, कौन सा इंग्लिश मीडियम में, एटलीस्ट आपको 12th पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स मेरे से छूट गए हैं या फिर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं डिप्लोमा और डिग्री दोनों पर ही जो डिटेल में कोर्सेज बताते रहूँगा आपको, और जो इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होती है उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ डालते रहता हूँ कि कौन सी एग्ज़ाम कब होने वाली है वेटनरी की। तो उसके थ्रू जो है आपको आइडिया भी मिल जाएगा, और न्यूज़ जो नई जो वेटनरी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो भी मैं इस चैनल पर डालने की कोशिश करता हूँ।
तो जुड़े रहिए इस चैनल से, और थैंक यू वेरी मच। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, उन्हें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप इसे व्हाट्सएप करते हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।